तो फ्रेंड्स, मैं अपनी फ्रेंड से मिलके आ चुकी हूँ और अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो मुझे रास्ते में ये जगह दिखी जिसका नाम है शेखा झील पक्षी विहार, और ये है शेखा झील, बहुत बड़ी है। और ये जो शेखा पक्षी विहार है, इसके अंदर काफ़ी अलग अलग तरह के पक्षी हैं जो कि लोग आते हैं यहाँ देखने। यहाँ पे टिकट भी लगती है देखने की। और ये देखिए शेखा झील। तो अब हम चलते हैं वापस गांव, क्योंकि और ये यहाँ देखिए मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने की खुशी में यहाँ पार्टी चल रही है। इन सब ने मुझसे पार्टी मांगी थी तो यहाँ चल रही है पार्टी। ये देखिए यही है वो शातिर इंसान जो सबसे ज्यादा खा रहे हैं और सबसे ज्यादा पी रहा है। और यहाँ नमकीन के लिए लड़ाई चल रही है और वो भी छोटे बच्चे की नमकीन खाई जा रही है, बड़ों के सब बड़े लोग खा रहे हैं। तनिष्का आपकी नमकीन लुट गई। देखो जी ये देखो यही है वो। भैया चार गिलास तो पी ली होगी ना। सब एक्सपोज़। मैं भेज दूंगी ना रिश्ते। भैया आपका रिश्ता करवाएंगे। भैया ऐसे नहीं पोज दो बढ़िया सा। निकाल क्यों रहा है इसमें से। मैं भी सीख जाऊंगा सर ऐसे के काम। चल नोनू तू भी जा, तेरा भी बनाएंगे। दिखाना उसके पास जाके। नहीं मेरे को मार देंगी वो। मारेंगे एक बार। तसला इसको भी दियो भाई। बेकार में पता लगा। मामा को देखना है, मुझे दिखाने ले जाना पड़ रहा है। और अब बारी आती है भैंसों की सानी की। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये देखिए हमारे पतिदेव चल दिए हैं एकदम स्टाइल में जाते हुए भैंसों की सानी लगाने के लिए, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। बट लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ये। और ये देखिए प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब ये नहीं पता कि सानी कैसी लगने वाली है और भैंसों को टेस्ट आएगा या नहीं, कुछ भरोसा नहीं है। और आप देखते जाइए कैसे कर रहे हैं। और ये देखिए इन्होंने ये काम कभी नहीं किया है बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए। और फ्रेंड्स, ये सब काम ख़त्म होने के बाद हम जाएंगे खेत पे, तो आप सब देखना, मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ का नज़ारा। अरे ये तो बिल्कुल ही छिप गए। इधर से थोड़ी ऊपर जाके बनाओ। तनिष्का 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 इसके बाल खोल भाई। एक ये बंदा भिड़ो ना, ये एक बंदा है भटक चुके हैं, इनके कपड़े खो चुके हैं। इनके कपड़े ढूंढना ढूंढवाने में प्लीज मदद कीजिए, शेयर कीजिए ताकि वीडियो आगे आगे से आगे और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इनके कपड़े मिल सके। और कपड़े के रैंडो के मॉडलिंग के कॉल आने। ये बंदा आ रहा है बेचारा, इसके कपड़े। ये देखिए ध्यान से देखिए इस शख्स को। ये वही शख्स है जिसके कपड़े गुम हो चुके हैं। भाभी बहुत कोशिश की, हमने भी हेल्प की पर कपड़े नहीं मिल पाए। आप इसको इसलिए अभी ऐसे ही जा रहे हैं घर। अब हम इनकी मदद करेंगे और इनको कपड़े देंगे घर ले जाके। चप्पल में मिट्टी। चलिए चलते हैं घर। अब कर
और ये कपड़ा चोर मिल चुका है जिसने कि ये कपड़े उठाए थे और अब उसकी हो रही है धुलाई। अब ये पिटते पिटते ऐसे ही इसी तरह इस चोर को घर तक ले जाया जाएगा। ओह फ्रेंड्स, हम बहुत सारी मस्ती करने के बाद अब हम चलते हैं घर की तरफ जी। हाँ फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि यहाँ हमने बहुत ज़्यादा मस्ती कर लिया, बहुत देर हो गई है हमें यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं घर। और ये देखिए, ये इनका क्या फ़ायदा हुआ नहाने का, अब फिर से इनकी मस्ती शुरू, मिट्टी की होली शुरू इनकी। और ये यहाँ पर ये देखो, ये है कुछ क्या है, शरारती बालक पानी में डाला जाए। सच में फ्रेंड, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे क्योंकि हम हमेशा ये सोच के रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे हम ऐसे करेंगे तो, बट लोगों के बारे में क्या सोचना। मस्ती का भी एक टाइम होता है, डेली नहीं आते हैं ये पल ये टाइम। तो आज हमने सच में बहुत मस्ती करी और बहुत मस्ती कर रहे हैं हम। ये देखिए आप सब, आज हम खुल के जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी एक तरह से। नहाना तो इन समझने पड़ेगा करो। एक पापा पापा जी तो रह गए, बेटा पापा के पास तक ले जाओ। तनिष्का की मिट्टी तो सारी यही निकल गई हाथ में से। तनिष्का जल्दी जा, जल्दी जा, तनिष्का की चप्पल देगी और काली पत्ते लगे। आराम दे रजनी, तुम बच गए। वेरी गुड दीदी। दीदी हार के नहीं आने चाहिए। हाँ। अरे बहन मैं इतनी सूखी चुका हूँ, बहुत रहा मोटा। अरे वही तो स्ट्रांग होते हैं ना। अरे जो तो द्वारा होने सब। ये देखिए यहाँ पर फिर से इनको डाल दिया इस टूल के अंदर, जबकि ये सब नहा के आए थे, साफ होके आए थे। तो इनको और ज़्यादा मज़ा आ रहा था फिर कि मिट्टी में होली खेलनी है बिना होली के। और ये देखो मेरी बेटी को वो, और ये याद देखिए, अब सारे भूत बन चुके हैं, कोई भी वापस घर साफ सुथरा नहीं गया था, सब ऐसे ही भूत बन के वापस गए थे घर। और अब ये देखिए, हम वहाँ से वापस आ चुके हैं और हम सब इतने ज़्यादा मिट्टी में हो रहे थे कि हम घर के अंदर भी नहीं जा सकते थे। तो हम अब यहीं पर अपनी मिट्टी को निकाल रहे थे पाइप से और बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। सच में ये पल बार बार नहीं आते, इसलिए अपनी ज़िंदगी जी लेनी चाहिए, जहाँ भी एंजॉय करने का मौका मिले एंजॉय करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।